अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीस्ट स्क्वेयर मेथड इन पाइथन के हम कैसे जो है लीस्ट स्क्वेयर कर्व फिटिंग मेथड को फॉर लीनियर लाइन स्ट्रेट लाइन जो है वो हम पाइथन में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए जो चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, एक नंपाई, हम बल्कि ऐसे करते हैं कि अपने इस कोड को जो है वो हम ले जाते हैं उसमें पाइथन में, पाइचाम में, तो और वहां पे जाके इसको रन भी करते हैं, साथ साथ इसको समझते भी हैं, क्योंकि वर्ड में ये आप देख रहे हैं काफी ज्यादा ये अंडरलाइन किए हुए हैं, ये चीज कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं और ले जाते हैं हम पाइचाम में। तो जनाब ये है आपके पास आपका पाइथन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली है टेस्ट डॉट पाई के नाम से, और यहाँ पे मैं आपका ये कोड टेस्ट करने जा रहा हूँ। ये कोड टेस्ट हो गया आपका, तो सबसे पहले हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं कि क्या चीज बन रही है। तो ये देखें, सबसे पहले तो ये डाटा वो पॉइंट्स हैं ब्लू कलर में शो हो रहे हैं आपके पास, अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं, 8 डाटा पॉइंट्स हैं जिसके अराउंड ये आपके पास जो है ये लाइन शो हो रही है। और इस वक्त इसका जो आपके पास डी स्केयर है वो मिनिमम है, मीन जो डिफरेंस का स्केयर है, और ये आपके पास देखें एक सही मायनों में शो हो रही है आपके पास ये लाइन, जो कि इस लाइन की रिप्रेजेंटेशन कर रही है, इस डाटे की रिप्रेजेंटेशन कर रही है। आपका डाटा इसी के राउंड है। अच्छा जी, अब अगर मैं देखूं कि दूसरा जो चीज है, एक टाइटल है इसका फिगर का, जिसमें हमने लीस्ट स्क्वेयर कर्व फिट बताया है कि ये ए एक्स प्लस बी टाइप की है, और इसमें जो है आपके पास वैल्यू जो आ रही है वो वाई की, वो है ए की वैल्यू इसमें ये है, और एक्स प्लस बी की वैल्यू जो है वो इसमें ये शो हो रही है। तो ए एक्स प्लस बी ये लाइन फिट इन हुई है, हम डाटा चेंज करेंगे तो इसी लिहाज से हमारी ये लाइन भी तब्दील हो जाएगी। आए अब देखते हैं कि इस कोड में है क्या। तो सबसे पहले तो आपने नंपाई में मैंने इंपोर्ट स्टैटिक कर लिया, ये सब कुछ इंपोर्ट कर लिया। दूसरा आपके पास जो मैट प्लॉट लिब डॉट पे प्लॉट जो है ये यूज होती है आपके पास पाइथन में प्लॉटिंग के लिए, तो एज पीएलटी ऑब्जेक्ट है इसका। अब आपके पास सबसे पहले तो हमने दो लिस्ट ली हैं जिसमें आपके पास एक्स और वाई के डाटा पॉइंट्स दिए हैं, ये सारे सारे डाटा पॉइंट्स जो थे वो एक्स और वाई में ले लिए मैंने। अब ये 20 के अगेंस्ट 10 है, 15 के अगेंस्ट 10 है, और 10 के अगेंस्ट 13 है, 5 के अगेंस्ट 15 है, 3 के अगेंस्ट 21 है, एंड अप टू सो ऑन है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, अब जितने एक्स हैं उतने ही वाई हैं नंबर में, तो सबसे पहले मुझे चाहिए थे नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स के लिए मैंने लेंथ ऑफ एक्स को जो है वो कंज्यूम किया, क्योंकि वो इसमें जो लेंथ है वो आपके पास एक्स के नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स को बताएगी। उसके बाद PLT डॉट स्कैटर किया, जब स्कैटर किया तो स्कैटर प्लॉट में आपके पास क्या होता है, एक्स और वाई जो ब्लू लाइंस ब्लू डॉट्स लगे हुए थे आपके पास, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये आपके पास आपके स्कैटर प्लॉट के हैं, ठीक हो गया, ये ब्लू डॉट्स आपके पास स्कैटर प्लॉट के हैं। अब हम जो है आपके पास चलते हैं आपके पास, अब हमारे पास अगर हमें इक्वेशंस याद हो, इक्वेशन आपके पास जो थी वो हम आपको दोबारा दिखा देते हैं आपके हैंड आउट में, क्योंकि हम उन्हीं इक्वेशन के अगेंस्ट जो है सब कुछ जो है वो डाटा कलेक्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने हैंड आउट पर, इसमें हमारे ये हैंड आउट में हमने देख लिया था कि हमारी जो इक्वेशन हैं वो स्टार्ट में हमने दी थी इनकी इक्वेशंस,
जिनको हाईलाइट भी किया था हमने बाद में, ये समेशन वाई इज इक्वल टू ए इंटू समेशन एक्स प्लस एन बी, और समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू समेशन एक्स के प्लस बी इंटू समेशन एक्स। अब ये दो हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें अगर हम एक साइड पे देखें तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल जो है वो आपके पास जो फॉर्म बनती है इसका, जो अगर हम ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखे इसका, तो वो बनता है आपके पास इसमें जो मैट्रिक्स ए बनता है वो आपके पास बनता है समेशन एक्स और एन का पहली रो और उसकी ए की जो दूसरी रो बनती है समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन एक्स का। तो इसी चीज को सामने रखते हुए हम लोग जो है अब ये दोनों इक्वेशन लेट्स को हम ले जाते हैं वहां पे। तो इसको हम बल्कि वहां पे लिख लेते हैं, ये मैंने इक्वेशन को पाइथन में ही ले आया हूं और यहां पे मैंने इनको कमेंट कर दिया ताकि हमें पता हो कि हमें क्या क्या चीज चाहिए। अब देखिए मुझे इनिशियली मुझे समेशन एक्स चाहिए था और समेशन एक्स के बाद मैंने उसके लिए एस एक्स लिया वेरिएबल, उसके बाद मुझे एन चाहिए था, एन तो मेरे पास मैंने ऊपर ही फाइंड आउट कर लिया है, ये एन है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। उसके बाद मुझे समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए था, मैंने उसके लिए वेरिएबल लिया एस एक्स टू, और मुझे उसके लिए समेशन एक्स वाई चाहिए था, मैंने उसके लिए वेरिएबल लिया एस एक्स वाई, और मुझे चाहिए था समेशन वाई, उसके लिए लिया मैंने एस वाई, और इस सबको इनिशियली समेशन को इक्वल टू कर दिया जीरो। अब मैंने एक लूप लगाया जो कि आई से लेके रेंज एन तक जाएगा, मीन कितने टाइम्स चलेगा, एन टाइम्स, जीरो से एन माइनस वन तक। अब वो क्या करेंगे हम कि तमाम के तमाम डाटा पॉइंट्स इकट्ठे करना शुरू कर देंगे एस एक्स में समेशन एक्स, एस एक्स इज इक्वल टू एस एक्स, क्योंकि एस एक्स बेसिकली आपके पास इनिशियली क्या है जीरो, एस एक्स इज इक्वल टू एस एक्स प्लस एक्स ऑफ आई। इसी तरह समेशन एक्स स्क्वायर जो है समेशन एक्स स्क्वायर में एस एक्स टू इज इक्वल टू एस एक्स टू प्लस ये एक्स स्क्वायर, एक्स आई का स्क्वायर कर लिया हमने, तो इसमें एक्स स्क्वायर होके जमा होते जाएंगे। इसी तरह आपके पास एस एक्स वाई जो है रिस्पेक्टिव एक्स आई को रिस्पेक्टिव वाई आई के साथ मल्टीप्लाई करके हम एस एक्स वाई में जमा करते चले जा रहे हैं, प्लस करते चले जा रहे हैं, और इसी तरह समेशन वाई जो है वो आपके पास समेशन वाई प्लस वाई आई, तो समेशन वाई सारे के सारे वाई इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये सारे समेशन जो है वो इस लूप में हमारे पास बिल्ड अप हो जाएंगे। अब हमें इनके अगेंस्ट, इन इक्वेशन के अगेंस्ट हमें जो है वो आपके पास इक्वेशन बनानी है, तो मैं इसको यहां भी पेस्ट कर लेता हूं ताकि आपको पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। अब जरा गौर से देखिए, अरे जो ए बनेगी एक होगी समेशन एक्स, मैंने लिख दिया एस एक्स पहली रो इसकी, और दूसरी दूसरा रो पहली रो का दूसरा एलिमेंट जो होगा वो एन होगा, तो ये मैंने एन लिया है। फिर मैंने समेशन एक्स स्क्वायर दूसरी रो में ये एस एक्स टू और समेशन एक्स को एस एक्स, अब ये मैंने ए बिल्डअप किया है सिर्फ इस साइड का। अब बी जो दूसरी साइड पे है आपके पास समेशन वाई, समेशन वाई पहला एलिमेंट क्योंकि कॉलम वेक्टर है, और समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई को एस एक्स वाई जो है ये मैंने दूसरा एलिमेंट एज ए दूसरा एलिमेंट किया, ठीक हो गया। अब लीनियर अलजेब्रा डॉट सॉल्व जो है आपके पास, इसमें आपके पास जो है अगर आप देखें तो लीनियर अलजेब्रा एक्चुअली नंपाई में पाया जाता है, तो ये फंक्शन है, तो लीनियर अलजेब्रा डॉट सॉल्व में ए और बी पास करते हैं तो वो इसका सोल्यूशन दे देते हैं आपके पास, तो सोल्यूशन आपके पास जो वेक्टर होगा वो अब आपके पास जो वैल्यू कंटेन करेगा ए और बी की, क्योंकि ए और बी हमारे पास वेरिएबल थे। इसमें सोल्यूशन जीरो जो होगा वो ए का होगा, और सोल्यूशन वन जो होगा आपके पास मीन, क्योंकि एक आपके पास जो है वो टू डायमेंशनल जो वन डी अरे आएगी आपके पास दो एलिमेंट्स की, तो ए एक्स प्लस बी के हवाले से हमारा जो एस्टीमेट है वाई एस्टीमेट
ये जो मैंने किया है ax प्लस बी मीन मैं सर में दो आपके पास डाटा पॉइंट्स निकालना चाह रहा हूं x और y के अगेंस्ट, दो y निकालना चाह रहा हूं टू प्लॉट द लाइन। सॉल्यूशन एक्चुअली हमारे पास a और b का आ चुका है इस सॉल्यूशन में पड़ा हुआ वो लीनियर अलजेब्रा के थ्रू। अब आपके पास पहले एस्टीमेट के लिए मैंने एक्स जीरो को लिया क्योंकि एक्स जीरो सबसे आपके पास एक साइड पे होगा पॉइंट। अब मैं चाहता हूं कि एक्स जीरो के अगेंस्ट मींस 20 के अगेंस्ट जो वैल्यू आ रही है वो देख लें और फिर -5 के अगेंस्ट जो वैल्यू आ रही है उसको देख लें ताकि आपके पास वो लाइन पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए कहां से कहां तक हमने प्लॉट करनी है। तो ये मैंने किया y एस्टीमेट 1 इज इक्वल टू सॉल्यूशन 0 जो कि a था प्लस ax बन गया ये आपके पास ठीक है। x ऑफ 0 इधर पुट अप कर दिया प्लस b की जगह पे आपके पास सॉल्यूशन 1 क्योंकि सॉल्यूशन 1 जो था वो b था। एक दफा x 0 पुट किया एक दफा x n माइनस 1 n टोटल वैल्यूज हैं तो x n माइनस 1 आपके पास जो होगा वो लास्ट आपके पास जो डाटा पॉइंट होगा x का या आप इधर x माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपके पास दूसरे x के अगेंस्ट y एस्टीमेट 2 आ जाएगा तो दो x के अगेंस्ट दो y आ जाएंगे उसी इक्वेशन के तहत। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे PLT डॉट प्लॉट। ये आपके पास जो है PLT ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया था मैटप्लॉटलिब डॉट PLT का आपके पास ये आपके पास देखें मैटप्लॉटलिब डॉट पे प्लॉट का आपके पास ऑब्जेक्ट है PLT। तो PLT डॉट प्लॉट अब हम क्या प्लॉट करने जा रहे हैं हम प्लॉट करना चाह रहे हैं लाइन को। तो इसमें तरीका कार ये होता है पहले एक्स डाटा पॉइंट दे दिए जाते हैं फिर वाई डाटा पॉइंट दे दिए जाते हैं और उसके बाद उसका कलर बता दिया जाता है कि किस कलर में। तो ये लाइन मैंने अगर आपको याद हो मैं आपको दोबारा रन करके दिखा देता हूं ये हमने लाइन जो थी वो ब्लैक कलर में प्लॉट की थी ये देखें। तो -5 और 20 के अगेंस्ट जो 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 आपके पास y का रिस्पॉन्स बन रहा है तो x इसमें डाटा पॉइंट जो है वो x 0 था और x -1 था मींस x का लास्ट जो डाटा पॉइंट था चाहते तो इधर बेशक n -1 ही लिख देते तो वो भी ठीक था। बहरहाल अब आपके पास ये आपके पास x आ गए और y के अगेंस्ट जो है फ्लोट में मैंने लिया इसको y एस्टीमेट 1 और y एस्टीमेट 2। ये आपके पास दो डाटा पॉइंट्स आ गए उसके बाद कलर लिया इसका ब्लैक। तो ये आपके पास इसने दो जो पॉइंट्स हैं एक एक्स डॉट और एक एक्स माइनस वन के अगेंस्ट और उसका जो टपल इस टपल इन एक्सिस के जो टपल में वाई बन रहे हैं वो ये पड़े हुए हैं वाई एस्टिमेट 1 और वाई एस्टिमेट 2 इनके अगेंस्ट उसने लाइन प्लॉट कर दी। अब हमारे पास जो रह गया है इसका टाइटल रह गया है तो ली स्क्वेयर ये PLT डॉट टाइटल के थ्रू हमने इसका जो है वो टाइटल सेट किया ली स्क्वेयर लाइन कर्व फिट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो बेशक इधर x स्मॉल डाल दें आप ये ले ए एक्स प्लस बी तो ये आपके पास स्लैश n जो है लाइन ब्रेक करता है y इज इक्वल टू तो वाई भी इधर स्मॉल डालें फिर इसी हिसाब से वाई इज इक्वल टू ये आपके पास जो कर्ली ब्रेसेस होती है यहाँ पे फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो ये मैंने कमेंट किया डॉट फॉर्मेट और इसमें मैंने पास किया फ्लोट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ जीरो। सॉल्यूशन ऑफ जीरो जो था उसका फ्लोट तो सॉल्यूशन ऑफ जीरो का फ्लोट यहां पे पास हो गया डॉट फॉर्मेट हो गया प्लस ए के बाद एक्स एक्स क्योंकि हम स्मॉल कर चुके थे तो यहाँ पे भी हम एक्स को स्मॉल कर देते हैं प्लस किया साथ इसको एक्स को प्लस आपके पास ए एक्स प्लस उसके बाद बी की हमने ऑप्शन देनी थी बी की जगह पे मैंने फिर ये ब्रैकेट डाली और यहाँ पे हमारे पास फिर मैंने फॉर्मेट की ऑप्शन अवेल की डॉट फॉर्मेट फ्लोट ऑफ सॉल्यूशन 1 और ये हमने ब्रैकेट्स क्लोज कर दी और उसके बाद PLT जो कि आपके पास प्लॉट बना था PLT डॉट शो कर दिया है। तो ये आपके पास कंप्लीट जो था आपकी इम्प्लीमेंटेशन थी जो कि हमने की ये देख लें ठीक हो गया।
अब इसमें y इज इक्वल टू ये ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी आ गया, तो ये x है उसी तरह ही और ये b की वैल्यू है। तो हमने इसके टाइटल में सारी की सारी इसकी इक्वेशन शो कर दी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को चीज समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी परेशानी की सूरत में आप लोग डायरेक्टली जो है मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा कोर्स जो है वो अब तक पूरा हो चुका है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।